और दोस्तों ये देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे CPR पैकेज नंबर 4 NH8 की तरफ से कैसे आ रहा है। देखिए आपको गाड़ी चलाते चलाते दिखा दूंगा, वहाँ तक लंबी लाइन बन चुकी है। पहले भी बना हुआ था ये, तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। और उस पार NH8 के उस पार भी शुरू हो गया है एलिवेटेड रोड का काम। और यहाँ हम इस तरफ चलेंगे, द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ चलेंगे टुवर्ड्स दिल्ली की ओर। ये देखिए क्या चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफी स्लो हो गया था, नहीं तो अच्छा खासा पिकअप हो रहा था काम। ये अंडरपास भी बनना है, ये इसके थ्रू तो ये भी पेंडिंग काम है काफी टाइम से, ये 2 महीने से। तो इसमें एक जो एलिवेटेड रास्ता है जो CPR से कनेक्ट करने के लिए, काफी जगह पे एलिवेशन का काम हो चुका है, लैंड फिलिंग वगैरह हुए हैं। आगे देखिए एक ट्रैक्टर भी आ रहा है, तो वन वे टाइप हो रखा है, काफ़ी ऊंचाई तक लैंड फिलिंग हो गई है। तो उसी की उम्मीद में है कि ये एज पर टारगेट तो ये जून को होना था, तो आई डाउट जून पे भी कोई भी काम हो ना पाए। चलते चलते देखते ही रह गई क्या है। आगे एक कार भी आ रही है, तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा। चलो ठीक है, साइड कर लिया। काफी मुश्किल है वीडियो बनाना यहाँ पे। बन चुका है, आगे जो एलिवेटेड रोड है उसको कनेक्ट करना होगा यहाँ से, तो एक काम बचा हुआ है इस साइड से। आगे तो एज यूजुअल है, आप इस साइड देखिए मैंने ये नीचे की ओर रास्ता जाएगा कि नहीं, नॉट श्योर। ऐसा है डिवाइडर वगैरह सब लग गया है वहाँ तक, ये डिवाइडर देख रहे हैं, डिवाइडर रोड डिवाइडर लगे हुए हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। राइट साइड में देखिए AVL 36 अफोर्डेबल हाउसिंग, और सामने की और जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो है कृषुमी के लग्जरी प्रोजेक्ट है ये। नज़ारा है यहाँ पे, काफी चौड़ा है रास्ता, तो आप हाई स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। एंड काफी तेजी से काम चल रहा है कृषि में, आप देखोगे पहले क्या था और अब क्या है, बट लॉकडाउन में और मार खा गया बीच में, वरना ये दिन रात काम चल रहा था यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिएगा, मूड में आए हम बनाते रहेंगे। तो बस देखिए ट्रम्प टावर भी दिखता है यहाँ से, इधर 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 की तरफ। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।